बॉटनिकल कीज और टैक्सोनॉमिक की क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं और क्या क्या सुविधाएं होती हैं। की इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस और एन अरेंजमेंट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ द प्लांट। सिंपल भाषा में कहें कि ये वो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है कि जिसकी सहायता से हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास 5, 6, 10 प्लांट हैं तो उनको हम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा कि हम जब भी पढ़ते हैं फ्लोरा पढ़ते हैं, फ्लोरा बहुत सिंपल सा है, आप सबने देखा है। जब भी आप और हम जब पढ़ते हैं फ्लोरा और फ्लोरा की मदद से जब हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें की बहुत हेल्प करती है। या फिर हम किसी एरिया के प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी की बहुत मदद करती है। और लैंग्वेज में कहा जाए तो एक बॉटनिकल की कैन बी डिफाइंड एज ए डिवाइस फॉर इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट बाय सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट। यानी कि इसके लिए हमें ये चाहिए होता है कि हमारे पास प्लांट का डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए। सवाल है कि पहली बार की किसने बनाई। फर्स्ट की वाज इंट्रोड्यूस इन 1778 बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। की के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, यानी कि की को बनाने के लिए फ्रेश मटेरियल चाहिए फॉर ए सिंपल स्टूडेंट। और आपकी एक्सपर्टी होने के बाद आप ड्राइड हर्बेरियम मटेरियल जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और हर्बेरियम मटेरियल के लिए एरोसोल ओटी नाम से एक मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, डाइकोटाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट होता है, उसकी हमें हेल्प लेनी होती है। ये इन जनरल हम लोग एमएससी तक ये चीज़ें हम काम में नहीं लेते हैं। अब सवाल है कि कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं कि की कितने प्रकार की होती हैं। और कुछ बुक्स के अंदर दो प्रकार दिए बट वो प्रकार अलग हैं, ये मैं आगे बताऊंगा कि वो दो प्रकार किस तरह से हैं। सिंपल कि की दो प्रकार की होती हैं, एक तो सिंगल एसेस की, सिंगल एसेस की यानी कि सिंगल कैरेक्टर से एसेस होती हो ऐसे समझें, और दूसरा मल्टी एसेस की या पॉलीक्लेव की। अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये डिफरेंस आपको बहुत कम जगह मिलता है। पहला तो ये देखिए कि इनके और नाम क्या क्या हैं, डाइकोटोमस की, सिक्वेंशियल की, एनालिटिक की, पाथवे की, देखिए कितने सारे नाम हैं। इधर आप यहाँ देखिए ये मल्टी एक्सेस के, रैंडम एसेस की, मल्टी एंट्री की, पॉलीक्लेव की, मैट्रिक्स की, टेबुलर की, सिनॉप्टिक की, इतने सारे इनके नाम हैं। और यह वजह भी है कि बहुत सारे नाम होने की वजह से जब स्टूडेंट गूगल पे सर्च करता है तो अलग अलग नाम मिलते हैं और इस वजह से स्टूडेंट परेशान होकर छोड़ देता है। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, सिंगल एक्सिस है, इसका कंसेप्ट है सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स इज फिक्स्ड बाय ऑथर ऑफ द की। यानी कि इसमें जो ऑथर है, यानी कि आप जब आप की बना रहे हैं तो आपके पास पूरी अथॉरिटी होती है। और जो मल्टी एक्सिस है इनेबल्स द यूजर टू फ्रीली चूज द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कन्वीनियंट टू इवेल्युएट फॉर द आइटम टू बी आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। बेसिकली ये जो मल्टी एक्सिल की है ये या तो बहुत पहले काम में ली जाती थी, जिसको हम बोलते हैं, आगे इसमें एक वर्ड आएगा पंच कार्ड की के नाम से आएगा, और या फिर ये जो टेक्निकल डिवाइस जो होती है जैसे हमारा कंप्यूटर है और इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे ये चीज़ें काम आती, आम स्टूडेंट की एंगल से काम नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए कि जो सिंगल एक्सिस दो प्रकार की होती है, इंटेंडेड, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। बहुत सी बुक्स में यही दो प्रकार लिखे होते हैं, यानी कि मल्टी एक्सिल का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे देखिए परफोरेटेड और पंच की, और ये दो प्रकार है, एज पंच्ड की और बॉडी पंच्ड की। बात करते हैं सिंगल एसेस की पे आ गए। अब तक हमने देखा कि कीज कितने प्रकार की होती हैं और कीज में दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो सिंगल एसेस की
डाइकोटोमस की, ये इनके डिफरेंट नाम है जो हमने पहले ही बात की। तो द आइडिया ऑफ टैक्सोनॉमिक की इज बेस्ड ऑन रिलायबल एंड स्टेबल कैरेक्टर, यानी कि स्टेबल कैरेक्टर होने चाहिए। एट ईच पॉइंट इन द डिसीजन प्रोसेस मल्टीपल अल्टरनेटिव आर ऑफर्ड, यानी कि इस जब हम की बनती है तो बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ऑफर यानी कि हमारे सामने होते हैं, ईच लीडिंग टू ए रिजल्ट और फर्दर चॉइस, यानी कि जो भी हम कैरेक्टर को ऑप्ट करते हैं वो या तो हमें रिजल्ट देता है या फिर फर्दर ऑप्शन देता है। द अल्टरनेटिव आर कॉमनली कॉल्ड लीड्स, यानी कि जो लाइन चलती है मैं आगे बताऊंगा उसको लीड कहते हैं। एंड द सेट ऑफ लीड्स एट गिवन पॉइंट ए कपलेट, यानी कि दो वर्ड याद रखिएगा अगर आप बीएससी में हैं, लीड और कपलेट, और या आप स्पेशल पेपर में है टैक्सोनॉमी के तो आपको ये दो वर्ड ध्यान रखने हैं। अब देखिए क्या करें, इफ़ द एंटायर की कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली टू चॉइसेस एट ईच ब्रांचिंग पॉइंट द की इज कॉल्ड डाइकोटोमस, मेजोरिटी ऑफ सिंगल एसेस कीज आर डाइकोटोमस, यानी कि मेजोरिटी में ये डाइकोटोमस होती हैं। अब यहाँ पे ये समझ लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि यहाँ पे जो हमने बात की इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। अब इंडेंटेड का एक नाम दूसरा ये भी है यॉक्ड, वाई ओ के ई डी, यॉक्ड की भी इसको बोलते हैं, और दूसरा ब्रैकेटेड और पैरेलल की इनको कहा जाता है। अब पहले हम देखते हैं इंटेंडेंट को, की को हम देखते हैं। देखिए पहला कि दे वॉन्ट गो टैक्सा, यानी कि जो इंडेंटेड है ये सीधी टैक्सा पे नहीं जाती, ये फर्दर अगले लीड पे जाती है, और जो ब्रैकेटेड है ये सीधी टैक्सा पे जाती है, आगे बताऊंगा अभी ध्यान से। हाँ अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें। दे गिव विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप पे आप काम कर रहे हैं उसका एक विजुअल प्रेजेंट, यानी कि एक साफ साफ पिक्चर आपके सामने आ जाती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये भी मैं आगे बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। द इंडेंट की हैव द टू लीड्स ऑफ ईच कपलेट सेपरेटेड बाई द कपलेट फॉलोइंग द फर्स्ट लीड दैट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंपेयर विद द अल्टरनेटिव। एंड यहाँ पे देखिए द ब्रैकेटेड की कीप्स द टू लीड्स ऑफ एवर कपलेट फॉर एंड ईजियर कंपेरिजन ऑफ द अल्टरनेटिवस, इसको मैं आगे बता दूंगा। फिर देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देर इज ए वेस्टेज ऑफ पेपर बिकॉज द की यूटिलाइज द राइट साइड ऑफ द पेपर एंड सो दे आर एक्सपेंसिव टू प्रिंट, और इधर है द ब्रैकेटेड की यूटिलाइज द स्पेस इन ईच एफिशिएंटली एंड सो दे आर चीपर टू प्रिंट, यानी कि इकोनॉमी होती है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया है मेजर ग्रुप ऑफ सीड प्लांट, यानी कि जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, डाइकोट, मोनोकोट, गैमोपिटेली और पोलोपिटेली, ये जो कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप इंडेंटेड की है, ठीक है। अब देखिए इंडेंट, यानी कि इंडेंट का मतलब है कि ये जो लीड और ये लीड, यानी कि ये और ये एक बन गया कपलेट, ये प्लस ये, दिस इज द कपलेट, और ये लीड हो गया और इधर ये लीड हो गया, राइट। चलिए अब प्लांट विद सीड ओव्यूल एनक्लोज्ड, ये एक लीड है और ये एंजियोस्पर्म, यानी कि ये लीड यहाँ कंप्लीट हो गया, रिजल्ट दे दिया। फिर प्लांट विद सीड ओव्यूल नेक्ट, ये देखिए एकदम कॉन्ट्रास्ट में, यहाँ पर भी इसने रिजल्ट दे दिया। सेकंड फ्लावर्स टेट्रा और पेंटामेरस, और ये सेकेंड फ्लावर टेट्राइमेरस एम्ब्रियो विथ वन कोटेड, इसने रिजल्ट दे दिया यहाँ पे। फिर कैलिक्स एंड कोरोला बोथ प्रेजेंट पेटल फ्री और पेटल फ्यू, यहाँ पे ये रिजल्ट दे दिया, यानी कि ये है इंडेंटेड फॉर्मेट की, यानी कि इंडेंटेड फॉर्मेट ऐसा होता है। अब इसी एग्जांपल में हम आपको दिखा रहे हैं ब्रैकेटेड फॉर्मेट। अब देखिए ब्रैकेटेड फॉर्मेट को देखें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे वन ये पहला लीड और ये दूसरा लीड, यानी कि ये कपलेट। अब देखिए क्या हुआ कि पहले लीड में कोई रिजल्ट नहीं आया, प्लांट विद सीड्स ओव्यूल एनक्लोज्ड विद विद इन ओवरी, टू नंबर पे चले जाओ, टू मतलब यहाँ आ गए तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आता। प्लांट विद सीड ओव्यूल नेक्स्ट, ये सेकेंड लीड है और रिजल्ट दे रहा है, फर्स्ट रिजल्ट नहीं दे रहा।
फ्लावर्स मोस्टली टेट्रा पेंट, यानी कि वही की है। फिर देखिए एक तो ये इसका, यानी कि ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन नहीं है, यहाँ पे इनकी सबकी लाइन अलग अलग है। देखो ये एक लाइन में आ गया, टू एक लाइन में हो गया, थ्री एक लाइन में हो गया, फोर एक लाइन में, यहाँ फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, तो ऐसे एक पेज लंबा पेज भर जाता है। इसलिए अब ऊपर कहा गया था कि ये पेज इकोनॉमी नहीं देता। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे पास आ, जिसमें यानी कि यहाँ आपको, मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों का फॉर्मेट पता हो और दोनों लिखते कैसे ये पता हो, दोनों का डिफरेंस क्या है। सेकंड पार्ट जो हमारा वो है मल्टी एसेस की, रैंडम एसेस, मल्टी एंट्री, यानी कि जो सेकंड पार्ट बी की बात करें। अब इसमें क्या है, इसको ध्यान से एक बार हम देखेंगे तो पता चलेगा। ए मल्टी एसेस की एनेबल द यूजर टू फ्रीली चूज द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कन्वीनियंट टू इवेल्युएट फॉर द आइटम टू बी आइडेंटिफाइड। यानी कि यहाँ पे आप किसी भी करेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें क्या होगा, सिंगल एसेस में आपको एक ऐसा करेक्टर लेना होगा जो रिमेनिंग जो प्लांट्स हैं उनसे रिलेशन हो जिसका। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ यहाँ देखिए, इसमें यहाँ कह रहे हैं प्लांट्स विद सीड ओव्यूल एनक्लोज विद ओवरी। देखिए यहाँ सीड इन सब में है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। और मल्टी एसिस की मे बी प्रिंटेड इन वेरियस वे, यानी कि इन ट्यूबुलर में, मैट्रिक्स में, फॉर्मूला स्टाइल, बहुत सारे वे हैं इसके। और ये मैनली जो कंप्यूटर एडेड जो टेक्निक्स होती हैं, कंप्यूटर एडेड और इंटरेक्टिव कीज हैं, वहाँ पर ये काम आती है। हम लोग हमारे डिपार्टमेंट में इसको हम यूज में नहीं लेते, आगे चलते हैं। अब ये सेगमेंट हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेगमेंट है कि हाउ टू यूज, यानी कि इनको यूज कैसे करें। देखिए, की शुड बी राइटली सेलेक्टेड फ्रॉम द मैनुअल, फ्लोरा हैंडबुक, मोनोग्राफ। अगर आप टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट नहीं है और आपका ये टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप किसी अच्छे रेफरेंस बुक से या किसी अच्छे फ्लोरा से या अच्छे मैनुअल से आप की का चुनाव कर लें, या उसके अंदर जो पैटर्न दिया है उसको हम अडॉप्ट कर लें। बिफोर यू मेक ए चॉइस केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड बोथ द लीड, यानी कि दोनों लीड आपके समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी एक लीड भी समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपके पास पूरी शब्दावली होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ए ग्लॉसरी चेक द मीनिंग ऑफ अननोन टर्म्स। और बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेन हैं जिसको कम से कम आपको दो तीन सैंपल में आपको ट्राई करना होता है अप टू MSc लेवल। एंड वेरीफाई एंड वैलिडेट रिजल्ट आफ्टर रीडिंग डिस्क्रिप्शन इक्वेटिंग स्पेसीमैन एंड इलस्ट्रेशन और विद दैट एन ऑथेंटिक हर्बेरियम स्पेसीमैन। और नो डिसीजन टू बी टेकन बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिंगल ऑब्जर्वेशन बेस, यानी कि आपने एक प्लांट देखा और आपने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। हाउ आर की कंस्ट्रक्टेड, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, पहला है यूज कॉन्स्टेंट करेक्टर, यानी कि जो हमारे गुड करेक्टर हैं उनको हम यूज करते हैं, ना कि बैड करेक्टर। लेस जैसे साइज है वो बैड करेक्टर है, सेप है गुड करेक्टर, लीफ की सेप और साइज, यानी कि जो सेप है वो गुड करेक्टर है और साइज है वो बैड करेक्टर है। सीजनल की बजाय जो परमानेंट करेक्टर को हम यूज करते हैं। शब्दावली जो है, टर्मिनोलॉजी, वो पॉजिटिव टर्म्स में होनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं पिटियोल इज प्रेजेंट, ना कि ये कहें कि पिटियोल इज नॉट प्रेजेंट या पिटियोल एबसेंट, वहाँ से हम लीड स्टार्ट नहीं करते। आपके पास एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। एंड मेक इट ए पॉइंट टू स्टार्ट बोथ चॉइस ऑफ ए पेयर विद द सेम वर्ड, अभी जो मैंने बताया तो ऊपर सेम वर्ड से हमारा कपलेट शुरू होता है। डिमेरिट सिंपल है कि आप द की दैट इज यूज मे नॉट बी ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज और वेरिएशन दैट स्पीसीज एग्जिबिट, यानी कि एक स्पीसीज के अंदर जितने सारे करेक्टर हैं वो सारे इसमें इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, और कुछ केस में हो भी जाते हैं, अधिकांश केस में नहीं हो पाते हैं। और दूसरा कि देर इज़ ए टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक वाइल मेकिंग चॉइस विद जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन, कि एक कपलेट अगर हमने रॉन्ग पकड़ लिया तो आगे फिर सारा गलत हो जाएगा। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पे आप ईमेल कर दें, अगर मेरे नंबर हैं तो आप व्हाट्सएप कर दें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ तो समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।